हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में प्रोलैप्सिस ऑफ यूट्रस की बात करते हैं, जिसको हिंदी में गर्भाशय को नीचे खिसकना भी बोलते हैं। तो इसमें दरअसल होता क्या है कि जो ऐसे लिगामेंट जो यूट्रस को अपनी जगह पे रखे रहते हैं वो ढीले हो जाते हैं, और ढीले हो जाने की वजह से वो जो यूट्रस है, गर्भाशय है, वो बाहर आने लगता है। तो देखिए, असहज स्थिति होती है। कई कारण हो सकते हैं इसके, ज़्यादा वजन उठा लेना ना, या फिर असामान्य तरीके से योगा करना, या फिर लगातार जल्दी जल्दी प्रेगनेंसी होना। तो ये सब कई कारण हो सकते हैं, या फिर ज़्यादा वजन का बच्चा पैदा होना। तो ये सब कई कारण हो सकते हैं गर्भाशय के बाहर निकलने को। तो देखिए, सबसे मेन कारण क्या है कि चाहे जो भी हुआ हो, अगर गर्भाशय बाहर आ रहा है तो जो लिगामेंट्स हैं वो खिंचाव में आ गए हैं और उनकी लंबाई बढ़ गई है। देखिए, लिखा है, जब मांसपेशियां और लिगामेंट कमज़ोर पड़ जाते हैं या इनमें सामान्य से अधिक खिंचाव आ जाता है, ऐसी स्थिति में एक गर्भाशय को सहारा प्रदान नहीं कर पाते, जिसके फलस्वरूप गर्भाशय बाहर निकलने लगता है। तो इसी अवस्था को क्या बोलते हैं, प्रोलैप्सिस ऑफ यूट्रस। तो इसमें बहुत अच्छी मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन है, तो वो आपके समस्या का पूरा निराकरण करेगा। तो देखिए, इसमें सामान्य अवस्था में जो दिखाया गया है ना, तो नॉर्मल पोजीशन जो डॉटेड लाइन से है वहाँ पे होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ से खिसक के आगे आ गया है। सामान्यतया कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करता, लेकिन उसका घरेलू इलाज के साथ साथ इलाज जरूरी है। तो देखिए, घरेलू इलाज की अगर बात किया जाए तो फिटकरी 3 भाग, माजू फल 1 भाग बारीक पीस कर पाउडर बना लें। साफ मलमल या मुलायम कपड़े में 1 चम्मच पाउडर की पोटली बनाकर रात को योनि में रखें। तो इस तरह से जो लिगामेंट ढीले हो गए हैं वो सिकुड़ करके अपनी जगह पे आ जाएंगे। तो जब लिगामेंट अपनी जगह पे आ जाएंगे तो जो गर्भाशय बाहर निकलना रहा है उसकी समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए, पहला सामान्य गर्भाशय में वो अपनी पोजीशन पर है, लेकिन असामान्य में वो नीचे घिसक गया है। तो होम्योपैथिक दवा की अगर बात किया जाए तो ये 4 होम्योपैथिक सुपर होम्योपैथिक दवा हैं जो आपकी पूरी समस्या से निजात दिलाएंगी। तो पहली दवा है सेपिया 30, डेली शाम को 4 गोली या 2 बूंद लीजिए। और दूसरी दवा है लेलियम टिक 200, डेली दोपहर 4 गोली या 2 बूंद लेना है। और तीसरी दवा है पल्सेटिला 30, डेली सुबह 4 गोली या 2 बूंद लेना है। और चौथी दवा है म्यूरेक्स 200 पावर की, डेली रात 4 गोली या 2 बूंद लीजिए। तो जो भी दवा लेना है वो खाली पेट लेना है, सीधे जीभ पर लेना है, ताकि वो अच्छे से काम करें। तो इस तरह से एक समस्या से आप निजात पा सकते हैं। तो आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें वीडियो को, ताकि और लोग इसको फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।